स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम आरएएस प्री के रिजल्ट से संबंधित जो विवाद है उसके कुछ अपडेट पर बात करेंगे। अपडेट ये है कि आप जानते हो कि आरपीएससी ने 6 क्वेश्चन डिलीट करके रिजल्ट जारी किया है, जिसमें गणगौर का जो क्वेश्चन है उसको उसने सही कर दिया है। इसके बावजूद स्टूडेंट को 5 क्वेश्चंस पर आपत्ति है और स्टूडेंट इन 5 क्वेश्चंस पर रिट लगाने जा रहे हैं। अब वो 5 क्वेश्चंस कौन से हैं इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। 5 क्वेश्चंस पर विवाद है ये स्टूडेंट को अभी भी, जिसमें से एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वाला क्वेश्चन है, जिसमें 2 ऑप्शन सही बता रहे हैं। आप जानते हो अंतर केवल इतना ही है कि एक लगातार है और एक क्रम लगातार नहीं है। वैसे देखा जाए तो आईएएस और आरएएस में इस टाइप के क्वेश्चन पहले आए भी हुए हैं और अन्य एग्जाम में भी आते हैं। यदि मैं कहूं इस संबंध में दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हम कहें कि हम इसको इसमें से किसको प्रमुखता दें तो जो लगातार वाला होगा उसको कहेंगे, चाहे उसने क्वेश्चन में वो बात कही है चाहे नहीं कही है। लेकिन स्टूडेंट इस पर आपत्ति कर रहे हैं और चाहे तो इस पर रिट लगा सकते हैं। मरु त्रिकोण पर भी रिट लगा सकते हैं। एक रमा देवी अंजना देवी के बारे में आपको यह कहूंगा कि राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उससे कंसल्ट कर लें। उसमें रमा देवी के बारे में वो बात बताई गई है जो आपके एग्जाम में पूछी गई है, ये इस पर थोड़ा गौर करें आप। और पेट्रोल वाला है, देखिए ये रीजनिंग का है और रीजनिंग का एक्सपर्ट मैं नहीं हूं, मैं जीके के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं और आपको बताता रहता हूं। लेकिन हां, इस बारे में एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा। अपने ही चैनल पर एक स्टूडेंट ने कॉमेंट किया था इस संबंध में और उसने इसका बहुत बढ़िया एक्सप्लेन दिया था, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन। मैं इसके लिए स्टूडेंट का आभारी हूं जिन्होंने वो ज्ञान की बातें हमें बताई, अच्छा एक्सप्लेन किया था। मैं चाहूंगा कि आप उसे एक बार पढ़ लें। अब रही बात गुरुमुख निहाल सिंह की, ये तो 100% रिट लगाइए, ये तो 100% लगाइए इस पर। तो राजभवन की वेबसाइट में भी 1 नवंबर 1956 लिखा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा 1 नवंबर 1956 करके नहीं आया होगा, सभी यही करके आए हैं। इस पर जरूर लगाएं, ये आपके रिजल्ट को परिवर्तन करने की पूरी ताकत रखता है। आप जानते हो आरपीएससी जो आरएएस की परीक्षा कराती है, मैंने देखा है अक्सर रिजल्ट 2 बार ही जारी होता है, तो यदि आप रिट लगाते हो तो हो सकता है कि ये रिजल्ट आरपीएससी को दोबारा जारी करना पड़े। खैर, जो भी स्थितियां होगी आपको समय समय पर अपडेट कराता रहूंगा। अब मैं करंट के संबंध में कुछ बात करना चाहूंगा। मैं एक पुरस्कार के बारे में आपको बताना चाहूंगा जिस पर पुराने पेपर देखते हैं तो काफी क्वेश्चंस बने हुए हैं। आइए कुछ बातें उस पुरस्कार पर करते हैं। वीरता पुरस्कार और इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं अभी बात करते हैं। देखिए, 2 स्थितियों में दिया जाता है, एक तो युद्ध काल की स्थिति में, एक शांति काल की स्थिति में। युद्ध काल में जो दिया जाता है ये 3 प्रकार का होता है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इनका क्रम बहुत बार देखा है मैंने, बहुत बार पूछा जाता है इसका क्रम कि क्रम से व्यवस्थित करो। इसी तरीके से जो शांति काल में दिए जाते हैं इनमें अशोक चक्र सबसे बड़ा होता है, फिर होता है कीर्ति चक्र, दूसरे नंबर पर कीर्ति चक्र आता है और तीसरे नंबर पर आता है सूर्य चक्र। जब ये स्थापित हुए थे तब इनका नाम अशोक चक्र फर्स्ट सेकंड थर्ड था, बाद में इनको बदल दिया गया था। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि ये जो है दोनों प्रभावी जो हुए थे, इनको जो प्रभावी माना जाता है, ये 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माने जाते हैं। हालांकि इनकी स्थापना बाद में हुई थी, हो जाता है जैसे वेतन आयोग होता है ना, वेतन आयोग होता है तो कहते हैं ना ये पिछले वर्ष से लागू होगा, वैसे है ये, तो कंफ्यूज मत होना।
ये स्थापित हुए थे 26 जनवरी 1950 को और ये 1952 में ये स्थापित हुए थे। तो ये आपको बता दिया मैंने। अब ये जो दोनों पुरस्कार है ध्यान रखना, ये वर्ष में दो बार दिए जाते हैं, वर्ष में दो बार दिए जाते हैं। एक तो दिए जाते हैं ये 26 जनवरी को और एक दिए जाते हैं ये 15 अगस्त को। अब जो लेटेस्ट हमारे पास अपडेट है वो ये है, ये वीर चक्र, ये जो वीर चक्र मिला है अभिनंदन वर्धमान को, मुझे नहीं लगता कि आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। पुलवामा अटैक के बाद इन्होंने जो कारनामा किया था पूरा विश्व जानता है इनके बारे में, हमारे देश के गौरव है ये। अभिनंदन वर्धमान, इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया है, ये करंट है। लेकिन मेरा इसमें ये मानना है, आपसे ये क्रम पूछा जाएगा, क्रम की स्थिति आपसे पूछी जाएगी और इसमें भी आपको ये क्रम ध्यान रखना है। आजकल इन पुरस्कारों पर काफी क्रम पूछे जाने लगे हैं, जैसे भारत रत्न सबसे बड़ा, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री, उसी टाइप के हैं ये। तो दोस्तों मैंने कुछ आरपीएससी प्री के रिजल्ट के संबंध में आपको कुछ अपडेट दिया और एक पुरस्कार के बारे में आपको बताया। उम्मीद है मेरी ये बातें आपको पसंद आई होगी और यदि पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।